वेलकम वेलकम ऑल माय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। मेरा आज का रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स लगेगा, देखिए मटन लगेगा। इसके बाद ये जो ऑनियन देख रहे हो, ऑनियन को अच्छे से जलाना पड़ता है। देखिए अच्छे से जला कर उसको, फिर इसका छिलका निकाल कर आप लोग को दिखाने के लिए इस सैगा वाला रखी हूँ। बाकी इसको छिलका निकाल कर इस तरीके से पापड़ी पापड़ी निकाल कर इसको फ्राई करना है। प्लीज़ दोस्त, फिर मैं इसका मैरिनेट कर ले रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल से ही बनाऊँगी, सरसों का तेल से ही बनाऊँगी, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें हल्दी पाउडर दे रही हूँ थोड़ी सी, फिर मिर्ची पाउडर भी दे रही हूँ थोड़ी सी, फिर इसमें धनिया पाउडर दे रही हूँ हाफ चम्मच, जीरा पाउडर दे रही हूँ हाफ चम्मच, नमक डाल रही हूँ। उसके बाद आप लोग देख के नमक डालिएगा बाद में, ठीक है। और थोड़ा सा मैं विनीगर डालूँगी, थोड़ी सी मात्रा में मैं विनीगर डालूँगी। इसको देखिए दोस्तों, हरियाली दही मटन बना रही हूँ। हरियाली दही मटन के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा। मटन है ग्रेट करके, हरी मिर्ची को रखी हूँ, फिर धनिया पत्ती को छोटे छोटे कट कर रखी हूँ, फिर मेथी का जो कसूरी मेथी है उसको रखी हूँ, फिर दही को मैं सौंफ का पत्ती, नमक, मिर्ची और ब्लैक पेपर सब मिलाकर ग्राइंड करके रखी हूँ दही को। फिर अदरक को घिस कर रखी हूँ, लहसुन पेस्ट, साथ में ऑनियन को जो और मतलब सैगा ऑनियन को जो जला कर छोटे छोटे करके रखी हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए आप लोग साथ में रहेंगे कैसे बना रही हूँ। देखिए पैन गर्म हो गया है, इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। इसके बाद तेज पत्ती और सूखी मिर्ची दे रही हूँ। फिर एक चम्मच जीरा दे रही हूँ। देखिए दोस्तों ऑयल गर्म हो गया, फिर मैं ऑनियन को दे रही हूँ फ्राई करने के लिए। इसमें तीन ऑनियन दी हूँ, ऑनियन को जला के छोटे छोटे करके काट कर इसके बाद मैं गार्लिक का पेस्ट दे रही हूँ। थोड़ा सा फ्राई होगा फिर बता रही हूँ। देखिए दोस्तों अनियन फ्राई हो गया, रियली दही मटन बन रहा है। इसके बाद मैं कसूरी मेथी को डाल दे रही हूँ। फिर हरी मिर्ची को दे दे रही हूँ, ग्रेट करके रखी थी हरी मिर्ची को देगा। अच्छा से फ्राई हो गया, फिर मटन का दे दे रही हूँ। प्लीज दोस्तों अच्छा से फ्राई हो गया है हरियाली दही मटन। देखिए दोस्तों साथ में रहेंगे, फिर मैं जो अदरक को ग्रेट करके रखी थी उसको दे रही हूँ। मसाला डाल रही हूँ, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच तेज पत्ती, मीठा नीम पत्ती मिलाकर जो पाउडर बनाई उसको दे रही हूँ। फिर हल्दी पाउडर दे रही हूँ हाफ चम्मच, पहले दी थी करके
फिर मिर्ची पाउडर दे रही हूँ एक चम्मच, क्योंकि ग्रेट करके हरी मिर्ची डाली थी। फिर नमक स्वाद अनुसार दूंगी, थोड़ा सा टेस्ट करके दही और धनिया पत्ती बाद में दूंगी। देखिए दोस्तों, फिर अच्छा से फ्राई हो रहा है, मसाला डाल के फ्राई कर रही हूँ। फिर इसको कुकर में डाल दूंगी। फिर आप लोग हरियाली दही मटन बनाने के लिए सजावट के लिए मेरे को कैप्सिकम और टमाटो लगेगा। कैप्सिकम और टमाटो को पहले से मैं थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। नमक डालकर थोड़ी सी टमाटो को भी दे रही हूँ करने के लिए। ये दोस्तों हरियाली दही मटन रेडी हो रहा है, इसमें मैं दही डाल दे रही हूँ। हरियाली दही मटन बन गया, इसमें मैं गरम मसाला दे रही हूँ। इसके बाद धनिया पत्ती दे रही हूँ। हरियाली दही मटन बन गया है, आप लोग अच्छे से रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे, फिर दूसरा रेसिपी लेके आ रही हूँ। थैंक यू।